सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, मेरे भाई, जो मेरा इंस्टाग्राम का 1,09,000 फॉलोअर वाला आईडी था वो मैं अभी नहीं चला रहा हूँ। और अभी जो मैं आईडी चला रहा हूँ मेरे भाई, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस आईडी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप सबको पता है मेरे भाई, जो भी मतलब यूनिक करता हूँ सबसे पहले वहाँ पे डालता हूँ, फिर यहाँ पर आप सभी को ट्यूटोरियल देता हूँ। तो मेरे भाई, आज ना हम चुटकियों में हेयर बनाने वाले हैं मेरे भाई। चुटकियों में ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हेयर को बना सकते हैं, अगर आपका हेयर अच्छा नहीं है और एक गुंडा वाला लुक देना चाहते हैं मेरे भाई, तो चुटकियों में बना सकते हैं मेरे भाई इस वीडियो को, अगर आप एंड तक देखते हैं तो। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, कुछ इस टाइप से हेयर बनाने के लिए ना सबसे पहले आप सबको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा मेरे भाई बिफोर फोटो है और एफ्टर है। तो एफ्टर में देखिए, यहाँ पर भी बाल है और यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही झकास तरीके से बाल दिख रहा है। लेकिन मेरे भाई वहीं बिफोर में देखेगा तो यहाँ पर बाल नहीं दिखेगा, यहाँ पर बाल नहीं दिखेगा। मतलब मेरे भाई एक तरह से बोले तो ये एक नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल। तो सबसे पहले मेरे भाई आप सभी को क्या करना होगा हेयर को बनाने के लिए, सबसे पहले हमको हेयर में शार्पनर्स को ऐड करना होगा। तो शार्पनर्स को ऐड करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ इस फोटो को ना स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करना होगा। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप सभी को टोन इमेज को ऊपर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा एंड एम्बिनियस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देना होगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से लेफ्टी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके मेरे भाई अपने फेस के ऊपर से ब्राइटनेस को बढ़ा देना होगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब बारी आती है कि अपने बाल में शार्पनर्स को कैसे ऐड करें। तो हेयर में शार्पनर्स को ऐड करने के लिए मेरे भाई आप सभी को टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा मेरे भाई और शार्पनर्स को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। अब मेरे भाई पहले और अब में देख लीजिए, पहले हमारा एकदम बाल बहुत ही ज़्यादा फीका दिख रहा था, लेकिन मेरे भाई अब देखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा से शार्पनर्स ऐड हो चुका है। उसके बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई थोड़ा सा और HDR डालना होगा हेयर में, क्योंकि मेरे भाई अगर जब तक आप लोग ना ये वाला काम नहीं करते हैं अपने फोटो के अंदर, पहले बता रहा हूं मैं, जब तक ये वाला आप काम नहीं करेंगे अपने फोटो के अंदर, तो आपका जो हेयर होगा ना मेरे भाई वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। तो रियल देखने के लिए मेरे भाई थोड़ा सा मेहनत आप सभी को करना होगा, ये तो सब किसी को पता है मेरे भाई, क्योंकि बिना मेहनत के कहीं भी फल नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप सब अभी मेहनत करते हैं मेरे भाई तो Instagram और YouTube से आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। बस आप सभी को सही तरीका से मेहनत करना होगा। और मेरे भाई मैं देख रहा हूँ अभी पहले से मतलब अभी मेरा व्यूज बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ HDR के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका ब्राइटनेस को कम करेंगे, सॉरी मेरे भाई फिल्टर एक्सटेक्चर को कम करेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ HDR स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ एक ब्रश आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को हेयर के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इतना काम होने के बाद यहाँ से डन करना है, उसके बाद बैक जाना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, इस फोटो को
यहाँ से शेयर करना है कहाँ पे, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। मेरे भाई अगर आप लोग मेरे जैसा फेस वाइट करना जानना चाहते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मेरे भाई जिसको अगर फेस वाइट करना नहीं सीखना है तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई आगे की तरफ जो होगा ना वो हेयर बहुत ही अच्छा से बनेगा। लेकिन हेयर बनाने से पहले ये काम भी ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि अगर ये काम आप लोग नहीं करते हैं तो आपका हेयर अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे भाई लाइट एडजस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ लाइट के ऊपर क्लिक करके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को कम करेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, शेडोज को बढ़ाएंगे, वाइट को कम करेंगे, ब्लैक्स को कम करेंगे। इतना काम हो जाने के बाद यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरे भाई मिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरे भाई ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, सेचुरेशन पूरा कम कर देंगे, येलो कलर को सिलेक्ट करके इसका भी सेचुरेशन पूरा कम कर देंगे, ह्यू और सेचुरेशन। उसके बाद मेरे भाई सेकंड कलर को सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन कम करेंगे, थोड़ा सा लुमिनस को डाल देंगे। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन करेंगे, उसके बाद मेरे भाई इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड टेक्चर को बढ़ा देंगे। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, इसी फोटो को शेयर करना है आप सभी को कहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे भाई अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना है, उसके बाद मेरे भाई आप सभी को शेयर करना है कहाँ पे, तो मेरे भाई इस फोटो को ना आप सभी को शेयर करना है तो फेस ऐप एप्लीकेशन में। फेस ऐप एप्लीकेशन सुन के तो सब कोई के मतलब मन में कुछ अलग ही फील आ गया होगा, लेकिन मेरे भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्ले स्टोर से जाइए डाउनलोड कीजिए मतलब फेस ऐप को, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई आप सभी को बस, ठीक है ना, थोड़ा सा काम है यहाँ पे बस। अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले अगर आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ आइएगा सबसे लास्ट में, तो सेकंड लास्ट में आप सभी को ब्लर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद मेरे भाई बूके वाले इफेक्ट ऊपर क्लिक करके जहाँ बूके लिखा होगा इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अब बारी आती है मेरे भाई अपने हेयर को कैसे ऐड करें, तो मेरे भाई यहाँ पर आप सभी को एक हेयर स्टाइल का ऑप्शन दिख जाता है, तो हेयर स्टाइल के ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। हेयर स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये वाला हेयर बहुत मतलब बिल्कुल ही फ्री में मिल जाता है आप सभी को, तो इस वाले हेयर को आप सभी को अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे मेरे भाई हमारा कुछ इस तरीके से हेयर आएगा, लेकिन मेरे भाई आपका अगर अच्छे तरीके से मेरे भाई रहता है ना फेस, तो एकदम भौकाल तरीके से आपका हेयर दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा ब्लर कर दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ब्लर करने से पहले हेयर को आप अप्लाई कर लीजिएगा एक बार, चलिए हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग ही रिजल्ट आप सभी को मिलेगा, मैं पहले ही ब्लर कर दिया, देख लीजिए यहाँ पर चारों तरफ से हेयर आ चुका है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब